Good morning, children. Today we will do uses of animals. Now, how are these animals useful to us? In many ways. Okay. Now, if you see hen, what does hen give us? Hen gives us egg, meat. What does cow give us? Milk. Same way, what does sheep give us? Wool. The sweaters which we wear. Okay. Now, bee gives us honey. From the beehive we collect honey. Fish and goat gives us meat. What does donkey do for us? What are the uses of a donkey? Donkey carries load. Places where जहाँ पर हम गाड़ी नहीं ले जा सकते वहाँ पर डोंकी के ऊपर रख के हम सामान ले जा सकते हैं, जैसे पहाड़ में जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो डोंकी को यूज़ करते हैं सामान लेके जाने के लिए। फिर हमारा फेवरेट पेट है जो डॉग, डॉग क्या करता है? वो गार्ड करता है, आपके घर को गार्ड करता है, ठीक है। और ये बुल्स, बैल, जो हल चलाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, इट इज़ कॉल्ड हेल्प प्लाउ द फील्ड। किसान को फसल उगाने में, हल चलाने में बहुत यूजफुल होती है बैल। अभी इसको आपको करना है, कैसे करेंगे? लुक एट द पिक्चर्स, मैच ईच एनिमल टू द थिंग्स इट गिव्स अस बाय ड्रॉइंग ए लाइन। ये कौन सी चित्र है, कौन सा एनिमल है? यस, हैन। और हैन हमारे लिए क्या लाती है, देती है? एग। तो एग यहाँ पर है तो एग लिखेंगे स्पेलिंग, और इन दोनों को मैच करेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा एनिमल है? काउ, COW, काउ। काउ हमें क्या देती है? मिल्क। ये रहा मिल्क, तो क्या स्पेलिंग है? MILK, मिल्क। और इन दोनों को हमें मैच करनी है। व्हाट इज दिस? बी। क्या है बी? बी हमें क्या देती है? हनी। हनी यहाँ पर है, हनी का स्पेलिंग है HONEY, और इन दोनों को हमें मिलाना है। व्हाट इज दिस? गोट। गोट हमें क्या देती है, बोलो? गोट हमें मीट देती है। क्या देती है? मीट। मीट की स्पेलिंग क्या है? MEAT, मीट। और इन दोनों को मीट मैच करेंगे। हु इज दिस, विच इज दिस एनिमल? शीप। क्या है? शीप। शीप हमें क्या देती है, बताओ? वूल, जो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हम इन दोनों को मैच करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे अगला, हमारी क्या क्या केयर देना चाहिए एनिमल्स को हम जब घर पे रखते हैं। उनको अच्छा फूड देना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, दैट इज़ गिव देम फूड, प्ले विद देम, गिव देम में बात, रोज़ उनको नहलाना है, रोज नहीं जब भी ज़रूरत है कि उन्हें नहलाना है, लव दम प्यार करना है उनको, ब्रश देयर हेयर, मतलब बीच में उसको बाल है तो हम उसको ब्रश करके ना साफ रखना है उसको। फिर टेक दम फॉर ए वॉक, एनिमल्स को घूमने ले जाना चाहिए। टेक दम टू वेट। वेट कौन है? जो एनिमल्स को देखने वाले डॉक्टर को वेट बोलते हैं, तो हमें महीने में एक बार वेट के पास ले जानी है वैक्सीनेशन के लिए। और कभी बीमार पड़ जाता है एनिमल तो उसको वेट के पास ही ले जाना है, समझे? सो गिव देम फूड, प्ले विद देम, गिव देम ए बाथ, लव देम, ब्रश देयर हेयर, टेक देम फॉर ए वॉक, टेक देम टू ए वेट। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एनिमल को केयर करने में ध्यान रखना चाहिए। देखा आपने, फूड, बेदिंग, क्लीनिंग, लविंग देम, टेकिंग देम फॉर अ वॉक, गोइंग टू द वेट, और प्ले करना उनके साथ। ओके, दीज आर द थिंग्स हमें सीखना है इसमें से। अभी ये तो ये एक्टिविटी आज आपका होमवर्क भी होगा, मैंने दे चुकी हूँ, सो डू दिस।